हेलो लिसनर्स आई एम डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा वर्किंग इन सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज व्हिच इज़ इन कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन लखनऊ सो आई एम वर्किंग इन मेकाट्रॉनिक्स प्रोग्राम देर सो वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल सो टूडेज टॉपिक ऑफ द लैक्चर इज़ क्लोज्ड कॉइल्ड हेलीकल स्प्रिंग्स सो इन प्रीवियस लैक्चर वी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स जिसमें हैलीकल स्प्रिंग्स एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं तो आज जो है जो हेलिकल स्प्रिंग है वो भी दो तरह की होती हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल फॉलोइंग्स आर द आउटलाइंस ऑफ माय लेक्चर पहले हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स कितने तरह की होती है उसके बाद क्लोज कॉयल्ड हेलिकल स्प्रिंग के बारे में हम बात करेंगे आज सो इट इज सब्जेक्टेड टू द एग्जियल लोडिंग दो तरह की लोडिंग हो सकती है एक एग्जियली कोई भी एक स्प्रिंग है उसको हम पुल कर सकते हैं सो दैट इज़ द एग्जियल लोडिंग एंड सेकेंड इज अंडर एग्जियल ट्विस्ट कि अगर कोई स्प्रिंग है उसको हम ट्विस्ट करें तो दो तरीके से हम उसमें आ, लोडिंग कर सकते हैं हम लोग किसी भी स्प्रिंग की तो दोनों कंडीशंस को हम मैथमेटिकली थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कितना उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों कंडीशंस में व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लोडिंग ये डिस्कस करेंगे देन वी विल टेक वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द क्लोज कॉयल्ड हेलिकल स्प्रिंग तो जैसे हम लोगों को पता है कि दो तरह की स्प्रिंग्स हेलिकल स्प्रिंग को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तो पहला है ओपन कॉयल एंड अनदर वन इज द क्लोज कॉयल्ड सो वाई वी कॉल इट एज ओपन कॉयल एंड क्लोज कोयल क्योंकि जो कॉयल्स हैं वो दूर दूर होती हैं तो अगर हम इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से अगर हम देखें तो दो तरह की स्प्रिंग है जैसे ये वाली जो स्प्रिंग है इसमें आप देख रहे हैं जो कॉल है वो इस और इस वाली कॉयल के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है सो गैप इंपॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट हेलिकल uh, के केस में गैप जब ज़्यादा होगा जब जो हमारी जो कायल्स हैं वो कायल्स का जो हेलिक्स एंगल है इफ़ इट इज मोर देन टेन डिग्री तो जैसे अगर यहाँ पे हम ये एक प्लेन लें तो ये जो एक्सिस uh, के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो लेट से ये है और ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल दिस एंगल इज़ इफ इट इज़ ग्रेटर देन टेन डिग्री अगर ये दस डिग्री से ज़्यादा है तो हम इसको क्या बोलते हैं ओपन कॉयल हेलिकल स्प्रिंग और अगर क्लोज कोयल जो हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं वो इतने क्लोज होती हैं कि ये जो एंगल होता है ये वाला दिस एंगल इज़ लेस देन टेन डिग्री तो कहीं ना कहीं हम क्वांटिफाई करते हैं तो अगर वो हेलिक्स एंगल टेन डिग्री से कम है तो क्लोज कोयल है और अगर हम देख के भी इसको अंदाजा लगाना चाहें तो बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं जो कॉयल्स होती हैं किसी भी स्प्रिंग की तो जनरली हम ये वाली जो कॉयल होती हैं ये वाली इनको हम कॉयल बोलते हैं ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो वायर है इसका जो डायमीटर है वो ये है वायर का डायमीटर ये है जो स्प्रिंग है उसका जो डायमीटर है वो मीन कॉयल डायमीटर जिसको बोलते हैं वो ये है तो उसको हम जनरली कैपिटल डी से दिखाते हैं और जो ये जो डायमीटर है जो वायर का है जिस वायर से ये बना हुआ है अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो वो इस तरीके का होगा तो इसका जो डायमीटर है इस वायर का जिस वायर का ये बना हुआ है वो हम जनरली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा वायर डायमीटर होता है तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये हमारी ओपन कॉयल्ड हेलिकल स्प्रिंग है और ये हमारी क्लोज कॉयल हेलिकल स्प्रिंग है सो इन टूडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्लोज कॉयल्ड और उसके बाद जो इनके बाद जो लेक्चर्स होंगे आगे उसके लिए एक स्पेशल अलग से लेक्चर लेंगे हम लोग ओपन कॉयल के लिए अलग से हम डिस्कस करेंगे तो अगर हम क्लोज कॉयल की बात करें तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो इस तरह से स्प्रिंग है और ये देखिए ये वाला जो डायमीटर है दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द वायर एंड दिस इज़ द डाया मीटर ऑफ द स्प्रिंग तो ये क्या है हमारी मीन कॉयल रेडियस है तो so, अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि एक एक करके जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सो दिस इज़ द डी डी इज द डाया मीटर ऑफ द स्प्रिंग उसके बाद जो कैपिटल आर है इट इज़ द मीन रेडियस ऑफ द कायल दैट वी हैव ऑलरेडी शोन इन द डायग्राम उसके बाद अगर हम देखें तो एन मतलब हम एक स्प्रिंग एज्यूम कर रहे हैं जिसके जो टोटल कॉयल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? वो एन है जो कैपिटल एल है इट इज़ लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग तो जो टोटल स्प्रिंग की लेंथ है वो हम कैपिटल एल से शो कर रहे हैं और वो कितना है टू पाई आर एक कॉयल की जो लेंथ होगी वो टू पाई आर होगी मल्टीप्लाइड बाई एन तो ये टोटल लेंथ हो गई अगर एन नंबर ऑफ कॉयल्स हैं तो टू पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एन तो ये टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन और इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग कॉस्ड बाई द लोड ये अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से कि अगर हम ये स्प्रिंग को पुल करते हैं लेट से एक स्प्रिंग ये है और अगर हम इसमें लोड लगा देते हैं पी तो हो सकता है कि ये स्प्रिंग इस तरीके से हो जाए सो व टोटल इलोंगेशन जो ये इसकी लेंथ बढ़ी है इस स्प्रिंग की या कम हुई है तो कम होगी तो कंप्रेशन अगर बढ़ेगी तो इलॉन्गेशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये डेल्टा इज़ द डिफ्लेक्शन और इलोंगेशन ऑफ़ द स्प्रिंग कॉज्ड बाय द लोड पी एंड जी इज़ द मॉडुलस ऑफ़ रिजिडिटी ये मटेरियल पे डिपेंड करती है तो जिस स्प्रिंग जिस मटेरियल की वो स्प्रिंग बनी है वो कैपिटल जी इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हम एक फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन के अंदर इस एक्जियल लोडिंग के अंदर इसके अंदर कितना डेल्टा होगा मतलब डिफ्लेक्शन कितना होगा अगर स्प्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता हैं किस मटेरियल की बनी है क्या उसकी कॉयल साइज़ है क्या उसके नंबर ऑफ कॉयल्स हैं कितना उसका मीन कॉयल रेडियस है ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम इसमें तो अब हम यहाँ पे देखें तो एवरी सेक्शन ऑफ़ द वायर अगर हम कहीं से कट करें सो इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए टॉर्जन ऑफ पी एन टू आर वो टॉर्जन कहाँ से आएगा ये पी ये है मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर तो इस वाले जो क्रॉस सेक्शन पे हर क्रॉस सेक्शन पे जितने भी हैं उन पर सभी पे पी इन आर का हमको एक टॉर्क लगेगा क्योंकि पी की जो फोर्स है वो ये है डायरेक्शन और यहाँ से किसी भी सेक्शन का देखोगे तो वो आर होगा इसका देखोगे तो आर होगा तो इतना टॉर्क उसको मिल रहा होगा हर क्रॉस सेक्शन पे वही टॉर्क इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है तो जब यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है इस वाले एंगल पर वो इसको इधर की तरफ स्ट्रेच करेगा नीचे की तरफ उसी की वजह से इसके अंदर डिफॉर्मेशंस आएंगे तो दिस प्रोड्यूस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इसी की वजह से आ रहा है और जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन का वो ट्विस्ट हो रहा है जैसे कि हम लोग राइट साइड की फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन इसको देखें कि इनिशियली इट वाज लाइक दिस और जब ये थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इधर की तरफ या इस वाले को अगर हम देखें तो ये वाला ट्विस्ट होगा इधर की तरफ जो ये वाली लाइन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ तो इनिशियली लेट से इट वॉज़ हेयर फाइनली इट विल बी हेयर सो so, ये जो थीटर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है ये जो एंगुलर ट्विस्ट आ रहा है वो ये तो अब ये लाइन कहाँ चली गई है यहाँ पे बी डैश तो ये बी डैश हो गया इनिशियली इट वाज एट बी तो उसकी वजह से जो है वो हमारे यहाँ हर सेक्शन पे क्या है कि हर कॉयल के अंदर थोड़ा थोड़ा डेल्टा आ रहा है तो वो डेल्टा वन डेल्टा टू ऐसे करके ऐड करेंगे तो द तो तो फाइनल डेल्टा विल बिकम डेल्टा तो इस तरीके से हमें टोटल ओवरऑल एलोंगेशन इसका मिलेगा तो द टॉर्क पी आर कॉजेज स्ट्रेस ये जो टॉर्क है यही स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रेस अगर हम ये स्ट्रेस निकालना चाहें आउटर फाइबर में तो कितना होगा तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक टॉर्जन इक्वेशन है जो हम लोगों ने पढ़ी है सिग्मा इज इक्वल टू टी अपॉन आई पी इन टू आर सिम्पल सिंपल टॉर्जन इक्वेशन होती है ना टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन आर तो वो वाली ये इक्वेशन यूज़ की है जो सिंपल टॉर्जन इक्वेशन है अगर हम यहाँ पे t की जगह p इन आर ये इसकी जगह हम वैल्यू पुट करें p इन आर जो रेडियस है दैट वुड बी इक्वल टू द डायमीटर हाफ हाफ ऑफ द डायमीटर और जो हमारे पोलर मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया है इट वुड बी इक्वल टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है हमारी जो स्प्रिंग है हर जगह अगर आप देखें तो फार्मूला पाई डी की पावर फोर अपॉन थर्टी टू तो अगर यहाँ पे देखें तो uh, इसके बाद इसको बस हमने रीअरेंज किया है और हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डी की पावर फोर है तो यहाँ पे d की पावर थ्री हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो इस तरीके से अगर हम इसको टू से ये सिक्सटीन हो जाएगा सो वॉट विल गेट वी विल गेट सिक्सटीन पी आर अपॉन पाई डी क्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेस सो इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस तो अगर हम इस चीज़ को डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना चाहें ये तो हमारा शेयर स्ट्रेस आया डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए सिंपल लोड अपॉन एरिया सो व्हाट वुड बी द टोटल एरिया ऑफ दिस वायर इस एरिया पे डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रही है एक तो इस पर सपोज करिए कि इसकी वजह से आ रहा है हमारा ट्विस्टिंग और जो इस पर ये जो पी जो लोड लग रहा है वो इसको नीचे स्ट्रेच भी करेगा सो दैट वुड भी इक्वल टू पी अपॉन ए एरिया वुड भी इक्वल टू पाई डी की पावर टू डिवाइडेड बाई फोर तो ये फोर यहाँ पे था ये यह फोर यहाँ पे चला गया सो दैट्स वाई इट हैज़ कम फोर पी अपॉन पाई डी स्क्वायर सो दिस इज़ द डायरेक्ट स्ट्रेस तो टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमको इन्हें जोड़ना पड़ेगा सो मैक्सिम स्ट्रेस जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस टॉर शेयर स्ट्रेस को जोड़ेंगे सो दैट विल कम लाइक दिस फोर पी अपॉन पाई डी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन पी आर अपॉन पाई डी क्यूब तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस हो गया अगर इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो सिक्सटीन पी आर अपॉन पाई डी क्यूब इंटू वन प्लस डी अपॉन फोर आर अब अगर हम डायमीटर को एज कम्पेयर टू आर क्योंकि ये जो डायमीटर है दिस डायमीटर इज नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू सो वी कैन नेग्लेक्ट इट सो इफ यू नेग्लेक्ट सो वी गेट सिक्सटीन पी आर अपॉन पाई डी क्यूब वन प्लस डी बाई फोर आर कैन बी ज़ीरो सो ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस आ गई अब अगर हम सिंपल टॉर्जन इक्वेशन को देखें तो वो टी अपन आई पी इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल ये सेकेंड क्राइटेरिया सो थीटा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें सो दैट वुड बी इक्वल टू टी इंटू एल अपॉन जी इन आई पी इनकी वैल्यूज रख दीजिए टी इज इक्वल टू पी इंटू आर एल इज इक्वल टू टू बाई आर एन इट इज़ द टोटल लेंथ अपॉन जी इंटू आई पी अगर हम यहाँ से देखें तो थीटा वुड बी हाउ मच सिक्सटी फोर पी आर स्क्वायर एन अपॉन जी डी रेज टू पावर फोर तो ये हमारा थीटा की वैल्यू आती है ये वाली अगर हम देखें ये इसके बराबर सो बाई दिस वी कैन कैलकुलेट द थीटा और अगर हम डेल्टा निकालना चाहें तो फ्रॉम दिस डायग्राम जिस अगर हम इसको देखें तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस आर ये और थीटा ये सो दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू आर थीटा सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा सो दिस इज़ द टोटल डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सएल लोडिंग तो अगर हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें कितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी इसके अंदर तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू टॉर्क इन थीटा तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है टी इज इक्वल टू पी आर रख दिया है ये और थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है पीछे इसको करेंगे सो इट वुड बी हेयर सिम्प्लीफाई करेंगे हम सो थर्टी टू पी स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन जी डी रेस्ट टू द पावर फोर अब इसमें हम लोग पी की वैल्यू जो हम पीछे है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सो दैट पी इज इक्वल टू टी इन टू टी इज इक्वल टू पी इं टू आर सो यहाँ से अगर हम पी कैलकुलेट करना चाहें सो दैट वुड बी इक्वल टू टी अपॉन आर और टी की वैल्यू हम पिछले एक्सप्रेशन पिछली स्लाइड पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो हम वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें सिग्मा एस अपॉन सिक्सटीन आर इंटू पाई डी की पावर थ्री का कंप्लीट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ पी स्क्वायर तो वी विल गेट द स्ट्रेन एनर्जी लाइक दिस इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम <coughs> तो सिग्मा एस स्क्वायर अपॉन एट जी इंटू पाई स्क्वायर डी स्क्वायर आर एन और अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा एस स्क्वायर अपॉन फोर जी इंटू दिस और अगर हम इसको ध्यान से देखें सो इट इज़ नथिंग बट इट इज इक्वल टू दी वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग वायर सो इसका मतलब जो अगर हम एनर्जी की बात करें

स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग एंड दैट कैन बी कैल्कुलेटेड बाई यूजिंग दिस के के इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा दैट वी नो तो पी की वैल्यू हमारे पास है उसको डेल्टा से डिवाइड कर दें सो वॉट वील गेट जी डी रेस टू दावर फोर डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर आर क्यूब एन सो दिस इज द स्प्रिंग स्टिफनेस कॉन्स्टेंट लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट दिस अब अगर हम एक्जियल ट्विस्ट ये तो हम लोगों को कहा कि स्प्रिंग है उसको एक्जली पुल कर रहे हैं एक्जेल लोड में अगर लग रहा है तो कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है कितना अगर हम एक्जेल ट्विस्ट की बात करें तो लेट से वी हैव दिस स्प्रिंग हेयर इफ यू सी द स्प्रिंग इज़ दिस और इसको हम इधर और इधर एक एम नॉट मीन्स ये अगर हम मोमेंट लगाते हैं तो ये उसका काउंटर मूवमेंट हो गया सो so, इसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर एक ट्विस्टिंग आने की संभावना होगी उस ट्विस्टिंग की वजह से भी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ सकता है

तो एन वन एन टू क्या है इनिशियल एंड चेंज नंबर ऑफ कॉइल्स रेस्पेक्टिवली अगर हम किसी स्प्रिंग को रोटेट ट्विस्ट करेंगे ट्विस्ट करेंगे तो वो अनवाइंड होगी या वाइंड होगी तो अनवाइंडिंग होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स कम होने शुरू हो जाएंगे अगर कोई स्प्रिंग है और उसको हम ऐसे अनवाइंड कर रहे हैं तो जो उसके स्प्रिंग का जो साइज़ है जो कॉल कॉयल रेडियस है दैट विल इंक्रीज़ और नंबर ऑफ कॉल्स घटने शुरू हो जाएंगे और अगर हम उसको टाइट कर रहे हैं मीन्स वी आर स्क्रूइंग इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन सो व्हाट विल हैपन जो उनकी कॉयल्स हैं उसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉयल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अगर हम ये कंडीशन देखते हैं कि इनिशियली लेट से कि आर वन था रेडियस ऑफ कर्वेचर बाद में आर टू हुआ तो इनिशियली एन वन नंबर ऑफ टर्नस थे बाद में एन टू हो गया तो अगर हम यहाँ पर देखें तो चेंज ऑफ कर्वेचर क्या होता है कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ़ आर है तो कर्वेचर क्या हो जाता है कर्वेचर इज़ ऑलवेज़ वन बाई आर सो चेंज इन कर्वेचर क्या होगा वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन और अगर हम इसको देखें तो दैट इज इक्वल टू एम नॉट द मूमेंट अपॉन ई आई दिस इज द तो ये हमारी सिंपल बेंडिंग इक्वेशन है एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर दिस इक्वेशन वी ऑल नो तो यहाँ से अगर हम वन अपॉन आर की वैल्यू आर वन आर टू रखते हैं तो वी विल गेट दिस एम नॉट अपॉन ई आई और अगर हम यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करें तो लेंथ विल रिमेन सेम लेंथ तो स्प्रिंग की घटेगी बढ़ेगी नहीं वो अगर नंबर ऑफ़ रोटेशंस या नंबर ऑफ कॉयल्स बढ़ेंगी तो आपका जो डायमिन जो रेडियस है मीन कॉयल रेडियस वो घटेगा तो अगर यहाँ पे देखें तो L इज़ इक्वल टू टू पाई आर वन एन वन और ये लेंथ हमेशा बराबर रहेगी तो फ्रॉम दिस वी विल गेट सम रिलेशन सो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन तो वन अपॉइन आर वन की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए एल की फॉर्म में और यहाँ से तो वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉइन आर वन क्या मिलेगा हमको टू पाई बाई एल इन एन टू माइनस एन वन तो इस वाले को हम ऊपर इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो वील गेट एम नॉट इज इक्वल टू टू पाई ई आई अपॉन एल इं टू एन टू माइनस एन वन तो अब अगर हम आगे देखते हैं तो एम नॉट की वैल्यू क्या है टू पाई ई आई अपॉन एल इंटू एन टू माइनस एन वन तो द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस अगर हम वाइंड अप एंगल की बात करें सो दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू फाई फाई इज इक्वल टू टू पाई एन टू माइनस एन वन तो अगर यहाँ से हम देखें तो एम नॉट को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो इट विल बी ई आई अपॉन एल इन टू फाइव तो टू पाई एन टू माइनस एन वन को हमने फाइव से रिप्लेस कर दिया तो फाइ का वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से एम नॉट एल अपॉन ई आई तो इसको अगर हम देखें तो एम नॉट की वैल्यू एज इट इज़ और लेंथ की जगह टू पाई आर वन एन वन अपॉन ई आई पहले वाली कंडीशन के लिए देखते हैं तो फॉर ए स्प्रिंग ऑफ राउंड वायर ऑफ डायमीटर डी नंबर ऑफ कॉइल्स एन एंड मीन कॉयल डायमीटर डी दैट इज़ टू आर वन तो हम पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो so, अगर हम यहाँ पे देखें तो फाई की वैल्यू क्या आ रही है सिक्सटी फोर पाई कैपिटल डी एन एम नॉट अपॉन ई पाई डी की पावर फोर तो यहाँ से हम लोगों ने फाई को कैलकुलेट किया तो so, यहाँ पे क्या है कि ये जो पाई है दिस पाई विल बी कैंसिल आउट तो सिक्सटी फोर डी एन एम नॉट अपॉन ई डी रेज टू पावर फोर तो अगर यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो बेंडिंग स्ट्रेस वुड बी हाउ मच ये हमारे पास इक्वेशन है एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिगमा अपॉन वाई तो अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम एम नॉट ले रहे हैं तो एम नॉट वाई अपॉन आई इज इक्वल टू सिगमा तो सिगमा बेंडिंग कितना हो जाएगा एम नॉट आई अपॉन वाई ये हमारी बेंडिंग स्ट्रेस हो गई तो अगर यहाँ पे हम वाई की जगह मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर मिलेगी हमको जो हमारा एक्सट्रीम फाइबर है तो इसका मतलब जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ से डी बाई टू पे तो दैट्स वाई वी पुट वाई इज इक्वल टू डी बाई टू और आई फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी रेज टू दावर फोर अपॉन सिक्सटी फोर तो वो वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमको बैंडिंग स्ट्रेस मिल जाती है तो अब इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है तो अगर हम इस टू से इसको कट करते हैं बत्तीस हो जाता है और D से ये यहाँ पे क्यूब आ जाता है सो दिस रिलेशन विल बिकम सिग्मा बी इज इक्वल टू थर्टी टू अपॉन पाई डी क्यूब एम नॉट तो दिस इज सिग्मा बेंडिंग तो यहाँ पे हमको सिग्मा बेंडिंग मिल गया अब अगर हम इसको uh, देखते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होती है कितनी आई स्ट्रेन एनर्जी हमारी स्ट्रेन एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ एम नॉट फाइव ट्विस्ट के केस में अगर हम एक्जिल रोड की बात करते हैं तो हाफ इंटू टी इंटू थीटा क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो कॉयल है वो ट्विस्ट हो रही है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो मोमेंट हमने कितना अप्लाई किया एम नॉट तो फाई जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है उससे अगर हम देखें टू पाई एल एन टू माइनस एन वन ये हमारे जो फाइ की वैल्यू जो आती है तो यू को हमने यहाँ पर देखा हाफ इंटू एम नॉट इंटू फाइव तो फाइव की वैल्यू क्या आई है एक्सप्रेशन में हमारी फाइव इज इक्वल टू दिस सिक्सटी फोर एम नॉट डी एन अपॉन ई डी रेज टू दावर फोर तो ये हमारा स्टेन एनर्जी का इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा तो so, यहाँ से अगर हम देखें तो देट वुड भी इक्वल टू टू से इसको थर्टी टू एम नॉट स्क्वायर डी एन अपॉन ई डी रेस्ट टू द पावर फोर अगर हम इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करें तो एम नॉट की वैल्यू क्या आएगी पाई डी क्यूब अपॉन थर्टी टू सिगमा बी ये हम ऑलरेडी आ चुकी है पहले वैल्यू सो दिस वैल्यू वी कैन पुट हेयर इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन पुट हेयर तो इफ़ यू पुट दिस वैल्यू हेयर तो वील गेट थर्टी टू डी एन ई डी डेज टू दावर फोर एज इट इज़ और एम नॉट की जगह पाई डी क्यूब अपॉन थर्टी टू सिगमा बी ये वैल्यू हमने एम नॉट की जगह यहाँ पर पुट कर दी सो वी गॉट दिस ना वी हैव टू सिंप्लीफाई इट सो इफ़ यू सिम्प्लीफाई इट वट गेट वी विल गेट सिग्मा बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस एज इट इज उसके अलावा ई एज इट इज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन रीअरेंज सो एज टू गेट बिकॉज वी नीड सम स्टैंडर्ड टर्म्स सो सिग्मा स्क्वायर बी अपॉन एट ई इंटू पाई डी स्क्वायर बाई फोर ये एरिया हो जाएगा और जो पाई डी एन है वो क्या हो जाएगा इट इज़ द टोटल लेंथ तो अगर हम इसको देखें तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है दिस is the area of the wire and this is what 2 pi r n this is the length length of the wire so area multiplied by length it would be the volume so what we are getting here so strain energy stored in the case of angular twist or axial twist in case of uh, closed coil helical spring एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एट ई मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अब हम लोगों ने देखा कि दो कंडीशन हैं दोनों कंडीशन में एक एक्सियल ट्विस्ट होता है और एक एक एक्जियल पुश जिसको हम बोलते हैं कि इलागेशन होगा उसमें सो इन दैट केस वील सी ए स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सो इट इज ए क्लोज कॉल हेलिकल स्प्रिंग टू हैिवेन कंप्रेशन अंडर ए मैक्सिमम लोड ऑफ मैक्सिमम लोड मतलब पी इज इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 45 न्यूटन एंड ए मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस सो सिग्मा एस दिया हुआ है द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज टू बी 4.5 सेंटीमीटर सॉलिड लेंथ का मतलब होता है कि जब स्प्रिंग के बीच में दो कॉयल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है सो दैट इज़ नोन एज द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड इज़ फोर सेंटीमीटर फाइंड द डाय मीटर ऑफ़ द वायर डी हमको कैलकुलेट करना है द मेन डाय मीटर ऑफ द कॉयल मतलब कैपिटल डी कैलकुलेट करना है इफ़ जी इज इक्वल टू फोर्टी टू गीगा पासकल सो वेरी सिम्पल न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल स्टिफनेस का हमें पता है कि स्टिफनेस जो है हमारा कितना होता है पी अपन डेल्टा सो पी अपॉन डेल्टा इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन पी आर क्यूब एन अपॉन जी डी रेज टू दावर फोर इसको अगर हीअरेंज करते हैं तो इस हमारा जो स्टिफनेस हो जाता है दैट इज़ जी डी की पावर फोर बिकॉज स्टिफनेस इज गिवन ना तो उस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे जी डी जी इज़ ऑल्सो गिविन सिक्सटी फोर आर क्यूब तो आर oh और डी में स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर और इस्माल डी में एक रिलेशन हम यहाँ से निकालते हैं तो अगर हम इसको देखेंगे तो

सिग्मा शेयरिंग जो स्ट्रेस है सिग्मा एस इज गिवन मैक्सिमम दैट इज 126 मेगापास्कल तो हम लोगों को पता है कि सिग्मा मैक्स क्या फार्मूला है सिक्सटीन पी आर अपॉन पाई टी क्यूब ऑल दिस फार्मूले वी हैव डिराइव्ड इन प्रीवियस जो एक्सप्रेशन है हमारे उसमें ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं तो इसको हम एज इट इज डायरेक्ट रखेंगे सिग्मा एस इज़ वन ट्वेंटी सिक्स मेगा इज गिवेन इन टेन इज पावर सिक्स सिक्सटीन पी इज गिवेन दैट इज फोर्टी फाइव न्यूटन आर हमको कैलकुलेट करना है आर मीन्स टू कैपिटल डी बाई टू वो भी हमको कैलकुलेट करना है और पाई डी क्यूब तो एक एक्सप्रेशन हमको यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से जो हमारा कैपिटल आर की जो वैल्यू आई वो कितना आ रहा है दैट इज़ पॉइंट वन सेवन फाइव इंटू डी टेन सिक्स इंटू पाई डी क्यूब सो ये एक आया अब सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज गिवेन दैट इज़ फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 4.5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में, में, में चेंज करते हैं तो पॉइंट जीरो फोर फाइव एंड एन डी नंबर ऑफ कॉल मल्टीप्लाइड बाई डाया तो ये सॉलिड हमारा जो अगर हम किसी स्प्रिंग को कट करते हैं तो वो इस तरीके से आती है अगर हम साइड व्यू इसका एक हमने स्प्रिंग को कट किया तो लेट से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इनका डायमीटर तो so ये सॉलिड लेंथ होती है इसकी स्प्रिंग की तो दैट्स वाई इट इज नोन एज द एन इन टू डी इट इज़ द सॉलिड लेंथ तो एन एन डी इज़ गिवेन तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिला तो नाउ हाउ मेनी अनोन्स वी हैव थ्री अनोन्स थ्री इक्वेशंस वी कैन सॉल्व और वी कैन रीअरेंज पॉइंट जीरो फोर फाइव डी तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम इसमें रख दें ये वाली वैल्यू तो यहाँ से हमको कैपिटल आर और स्मॉल डी में एक रिलेशन मिलेगा तो यहाँ से हम लोग और आर की वैल्यू जो हमने ये निकाली है ये यहाँ पर पुट कर दीजिए सो ऑल दीज थ्री इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे d की वैल्यू एक कैलकुलेट कर लेते हैं सो हाउ मच इट इज़ कमिंग 0.306 सेंटीमीटर और वी कैन से 30.6 सेंटीमीटर सो दिस इज़ दॉरी थर्टी पॉइंट थ्री सेंटीमीटर इज़ द वैल्यू ऑफ वायर डायमीटर वायर डायमीटर अगर हम देखें अभी हमको मेन uh, डायमीटर निकालना है मतलब मेन कोयल डायमीटर भी निकालना है दैट इज़ द डबल ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर सो दिस डी इज़ वी हैव कैलकुलेटेड दिस आर का हमारे पास रिलेशन है एक तो उस वाले फार्मूले में जो हम लोग अभी पीछे कैलकुलेट किया है इसमें अगर हम डी की वैल्यू विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज़ पॉइंट ये पुट करेंगे तो आर की जगह हमें क्या मिलेगा दिस इज़ सो दिस इज़ आवर मेन कोयल रेडियस इसको डबल कर देंगे तो वी विल गेट द मीन कॉयल डायमीटर दैट इज़ 3.15 सेंटीमीटर सो लाइक दिस वी कैन आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉयल्स कितनी हैं अब दो चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं तीसरी चीज़ और कैलकुलेट करनी है तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला एन इज इक्वल टू दिस तो नंबर ऑफ टर्न्स आर कमिंग फोर्टीन लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता सो वी हैव टू राउंड इट ऑफ़ टू द नेक्स्ट इंटीजर सो फोर्टीन पॉइंट सेवन कैन बी राउंडेड ऑफ टू 15 टर्नस so likewise we can uh, solve different small numerical and uh, from here we can apply different different formulas which we have applied. अप्लाइड अभी हम लोग इसमें इसका मतलब जो स्प्रिंग के दोनों केसेज हैं स्ट्रेन एनर्जी और ये सब हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं तो आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस लेक्चर आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए और यू एन्जॉय दि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थैंक यू सो मच